झारखंड में कल 25 मई को तीसरे चरण का मतदान होगा, वहीं देश भर में छठे चरण का मतदान होगा। इस बीच मतदाताओं की संख्या और जो वोट पड़े हैं उसकी संख्या को लेकर विवाद चल रहा है। कुछ रिपोर्ट्स दावा कर रहे हैं कि मतदाताओं की जितनी संख्या नहीं है उससे कई ज्यादा वोट पड़ जा रहे हैं। मान लें कि किसी क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 1000 है तो वहां पड़ने वाले वोटों की संख्या 1000 या 1000 के अंदर ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकती है, लेकिन ऐसा हो रहा है। वोटरों की संख्या जहां 1000 है वहां 1500 वोट पड़ जा रहे हैं, यानी यहां कुछ तो झोल जरूर है। इन्हीं सब को लेकर बीते कुछ दिनों से विवाद चल रहा है जो अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। एक जागरूक मतदाता होने के नाते आपको इस विवाद को समझना बहुत जरूरी है। दरअसल ये विवाद शुरू होता है चुनाव संचालन नियम 1961 के तहत भरे जाने वाले फॉर्म 17C से। नियम के अनुसार चुनाव आयोग को हर मतदान केंद्र के लिए दो फॉर्म 17A और 17C बनाकर रखने होते हैं, जिनमें मतदाताओं की संख्या और डाले गए वोटों का डेटा होता है। जहां फॉर्म 17A का इस्तेमाल हर उस मतदाता का विवरण रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जो मतदान केंद्र में आता है और अपना वोट डालता है, वहीं फॉर्म 17C दर्ज किए गए सभी वोटों का लेखा जोखा होता है। इसमें सबसे खास होता है फॉर्म 17C जो वोटिंग रूम का सीक्रेट फॉर्म होता है। पोलिंग बूथ पर यह डेटा मतदान अधिकारियों द्वारा दर्ज किया जाता है और उस बूथ के पीठासीन अधिकारी यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा जांच किया जाता है। ये काम वोटिंग प्रक्रिया खत्म होने के तुरंत बाद ही करना होता है। इसमें कई चीजों को भरना होता है जिससे ये साफ हो जाता है कि कितने लोगों ने वोटिंग की, कितने लोग वोट करने नहीं आए और कितने लोगों को वोट देने के काबिल नहीं समझा गया और क्यों नहीं समझा गया, इसका कारण भी बताना होता है। ये भी भरना होता है कि वोटिंग के दौरान कितनी ईवीएम का इस्तेमाल किया गया, कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट की संख्या और नंबर देने होते हैं। ऐसे में इस बात की कोई गुंजाइश नहीं रहती कि वोटों के प्रतिशत के आंकड़ों में कोई गड़बड़ी हो पाए। नियम के तहत पीठासीन अधिकारी यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर को वोटिंग खत्म होने पर विभिन्न पार्टियों के उम्मीदवारों के बूथ एजेंटों को फॉर्म मुहैया करवाना होता है। इसमें बूथ एजेंट्स और मतदान अधिकारी का हस्ताक्षर भी होता है। इसी फॉर्म का एक अगला हिस्सा भी होता है जिसे मतगणना वाले दिन इस्तेमाल किया जाता है। इस फॉर्म में लिखा जाता है कि किसी एक उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं। इसका इस्तेमाल पार्टियों के उम्मीदवार मतगणना वाले दिन ईवीएम मशीन में पड़े वोटों के साथ मिलान करके चुनावी रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए करते हैं। इस दौरान अगर वोटों की संख्या मैच नहीं करती तब कानून की सहायता ली जा सकती है, हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की जा सकती है। इस बार के चुनावों में चुनाव आयोग की ओर से जारी शुरुआती और अंतिम आंकड़ों में आ रहे फर्क पर ही विपक्ष और जानकार सवाल उठा रहे हैं। कुछ राज्यों के मतदान के बाद आंकड़े बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर में आपको साफ दिखाई देगा कि इन राज्यों में मतदाताओं की संख्या कुछ है और जो वोट पड़े हैं वह संख्या क्षेत्र में वोटरों की संख्या से काफी अधिक है। इस पर बीते दिनों कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर सवाल उठाया था, कहा कि कुल मिलाकर 1,07,00,000 के अंतर के हिसाब से प्रत्येक लोकसभा सीट पर 28,000 की वृद्धि होती है जो कि बहुत बड़ा नंबर है। यह अंतर उन राज्यों में सबसे ज्यादा है जहां बीजेपी को अच्छी खासी सीटों के नुकसान होने की गुंजाइश है। आखिर ये हो क्या रहा है? इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि ADR ने अपनी याचिका में मांग की कि चुनाव आयोग मतदान होने के 48 घंटे के अंदर हर पोलिंग बूथ पर डाले गए वोटों का आंकड़ा जारी करे। ADR ने अपनी याचिका में फॉर्म 17 की स्कैन की हुई कॉपी भी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने की मांग की थी। हालांकि इस याचिका पर 24 मई यानी कि आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को डेटा पब्लिश करने का आदेश देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई फिलहाल रोक दी है, लेकिन इसके बावजूद नियम पर रोक नहीं लगाई गई है, यानी पार्टियों के बूथ एजेंट्स को फॉर्म 17C की कॉपी देना अब भी अनिवार्य है। इसलिए सभी पार्टियों के बूथ एजेंट अपने अपने बूथों पर मतदान अधिकारी से फॉर्म 17C की कॉपी जरूर प्राप्त करें। वैसे अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा, जोहार।